आप दोनों से जानना चाहेंगे फ्रेंच की किस तरह से पूरी एल्बम का जन्म हुआ, किस तरह से आपने सोचा एल्बम के साथ? इस एल्बम का जन्म एक्चुअली मैं सच्ची स्टोरी बताना चाहता हूँ, और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, द राइट स्टोरी, आई मीन किस तरह जन्म हुआ इस एल्बम का। आई वॉज इन जयपुर एंड वन डे शारी बेल्ट कॉल्ड मी एंड ही वॉज सिंगिंग समथिंग ऑन फोन एंड ही वॉज आस्किंग मी कि कैसा है ये रिफ। अब म्यूजिकली हम लोग जब हमारे किसी गाने में कुछ म्यूजिकल पार्ट होता है जो बार बार बजता है ना, उसे हम रिफ कहते हैं। देन ही वॉज सिंगिंग अ रिफ, देन आई टोल्ड हिम दैट इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, ये क्या है? देन ही सेज कि ये गाना है, इस गाने का नाम मेरे जहन में है, इस गाने का नाम फ्रेंच किस है। तो ही कॉल्ड मी, आई वाज इन जयपुर, देन फिर मैं जयपुर से वापस बॉम्बे आया, फिर भी ये जो आइडिया है इसको आगे लेके गए हमारे जो लिरिक्स राइटर हैं कुमार साहब, उनका बहुत योगदान रहा है इस गाने को पूरा कंप्लीट करने में, जो अल्फाजों से सजाया है, जिस अल्फाजों से सजाया उन्होंने गाने को, फ्रेंच किस कर ले यार तेनू बड़ा मिस कर दे, तो वो एक जो उनका अंदाज है उसको बहुत तरीके से और बहुत टीम वर्क होता है, कुछ उनकी मेहनत कुछ हमारी मेहनत उससे मिलके गाना अच्छा बनता है। तो ये इस तरह से गाने की उपज हुई और दिमाग में ये आइडिया आया कि फ्रेंच किस एल्बम का ही नाम रख दें, क्योंकि दैट वाज द टाइटल ट्रैक ऑफ आवर। आप दोनों से जानना चाहूंगा कितने ट्रैक होंगे इसके अंदर, जितना से आपने गाने के बोल बताए हैं वो अपने आप में पंजाबियत लिए रखे हुए हैं, और हम सब जानते हैं कि सनी जी आके अनवेल करने वाले हैं जी। तो वो डिसाइडेड था कि यू वांट सनी जी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड टू अनवेल योर एल्बम ऑफ योर्स? नहीं, ऐसा कुछ डिसाइडेड एक्चुअली गाना बन गया था, बट बिकॉज वी हैव अ वेरी 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 गुड, आई मीन वेरी गुड, मतलब मैं क्या अल्फाज यूज करूँ, मतलब रिश्ते हैं हमारे ऐसे बने, प्यार है उनका। आफ्टर यमला बगला दीवाना 2 के म्यूजिक के बाद सनी सर, धर्म सर, दे ऑल आर वेरी यू नो बींग वेरी लवली विद अस, और बहुत सपोर्ट बहुत प्यार उन्होंने दिया शुरू से ही। तो फिर ऐसे ही हमारे जहन में ये था कि अगर सनी सर आएँ और हमारा एल्बम रिवील करें तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, और वंस अगेन मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं किन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूं सनी सर का कि उन्होंने अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया। एंड वन मोर थिंग मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो मीडिया पार्टनर है ब्राइट, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा, काफ़ी उन्होंने अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है, जगह जगह मुंबई शहर में बड़े बड़े जो होर्डिंग लगे हैं। योगेश लखानी जी कहाँ चले गए? हाँ लखानी जी कहाँ गए? ये जो बड़े बड़े होर्डिंग देख रहे हैं आप पूरे बॉम्बे शहर में, ये इन सारे होर्डिंग्स के पीछे ये एक ही आदमी है कि जो जिसको इनकी इच्छा करती है चिपका देते हैं 40x40। तो ये इनका प्यार है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्राइट का भी बड़ा सपोर्ट है हमारे साथ, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम किसी एल्बम की बात करते हैं, वीडियो शूट काफी होता है, तो कितने गाने में वीडियो शूट होगा और कितने? भाई इसमें 3 गानों के वीडियोज हम लोगों ने किए हैं, जिसमें से 2 हम लोगों ने इंग्लैंड में शूट किए हैं और 1 दुबई में किया है। सो टुडे व्हिच वी गोइंग टू प्ले द फ्रेंच किस टाइटल ट्रैक, दिस वन वी शॉट इन लंडन, -10-15 टेम्परेचर में हम लोगों ने गाना शूट किया है, एक एक टी शर्ट पहन के। सो दैट वॉज गुड, वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी गुड लवली शूटिंग विद शूटिंग इन लंडन। तो कितने 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 ट्रैक होंगे और क्या एक ही अंदाज होगा या अलग? देखिए 5 गाने इस एल्बम में, जैसे कि सरम ने पहले बताया था कि जब हम फिल्म का म्यूजिक करते हैं तो वी ऑलवेज हैव बाउंड्रीज, वी ऑलवेज हैव सिचुएशंस, बट इन आर नॉन फिल्म एल्बम आर एल्बम देर इज नो सिचुएशन, देर इज नो बाउंड्रीज। तो हम लोगों ने वो करके एक अपना पूरा फ्रीडम रखते हुए हमने 5 अलग अलग किस्म के अलग अलग गाने बनाए हैं। देर इज वन R&B, देर इज वन हिप हॉप, देर इज वन सूफी, देर इज वन जिसमें हम लोगों ने कव्वाली स्टाइल ऑफ कव्वाली को हिप हॉप के साथ मर्ज किया। लाइक वी बोथ बिलोंग्स टू सूफी फैमिली, माई फादर उस्ताद अकरम साबरी ही वॉज कव्वाल, तो हम लोगों का बैकग्राउंड वही है, हम लोग सूफियाना बैकग्राउंड से आते हैं। सो वन सॉन्ग वी डिड एज इन NI कव्वाली हिप हॉप, सो आई एम श्योर दैट पीपल गोन टू लव दैट सॉन्ग फॉर श्योर। आई रियली वॉन्ट टू से वन थिंग दैट कि अभी लास्ट 18th of August को वी लॉस्ट आवर फादर, तो हमारे उस्ताद वही हैं और उनकी शिक्षा, उनकी तालीम और उनकी दुआओं की वजह से हम जहाँ भी हैं आज, हम उन्हीं की बदौलत हैं। तो उनका ब्लेसिंग्स मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहें। ये हमारा पहला नॉन फिल्म एल्बम है और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो कि मुझे बड़ा पसंद है, जो कि मैंने गाया है, कॉल साजन। एक गाना है रोमांटिक ट्रैक कॉल अल्लाह अल्लाह विच शारिब है संग। देयर्स वन मोर सॉन्ग कॉल देयर्स अ फ्रेंच किस टाइटल ट्रैक एंड देयर्स वन मोर सॉन्ग सोनी है, इट्स अ पंजाबी सॉन्ग अगेन,
एंड वी शॉटेड दिस वन इन दुबई. सो जो आपका सवाल था कि इस एल्बम में पंजाबीयत ज़्यादा तो नहीं होगी सनी सर आ रहे लॉन्च करने के लिए, एक्चुअली हम लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो एक जो नॉर्थ का जो फील है पंजाबी और बेसिकली पंजाब का, तो वो आजकल जितने भी फिल्मों में भी गाने बन रहे देखिए आप उसमें कहीं ना कहीं पंजाबीयत आ ही जाती है. तो वो एक तरह से कीजिए कि आजकल चल रहा है वो ट्रेंड, लोगों को उस तरह के कैच पसंद आ रहे हैं, उस तरह की चीज़ें पसंद आ रही हैं गानों में. सो दैट्स व्हाट वी डिड एक्चुअली. फुल एल्बम और नॉट फुल सॉन्ग्स आर पंजाबी, दे आर मिक्स ऑफ इंग्लिश पंजाबी हिंदी अवधि ऑल्सो वी हैव डन. सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द फ्लेवर इन आर कंट्री वी हैव. डेफिनेटली मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा. बट पारुल वेयर इज पारुल? क्या हुआ सर? कुछ बचे भी नहीं करने के लिए बातचीत. नहीं सर, आप लोग चले जाओ. हाउ डू सी योर जर्नी यू नो शुरुआत से लेकर अब तक और यहाँ तक जर्नी? मतलब हर किसी की जर्नी बहुत आसान तो नहीं होती है, कठिनाइयाँ मुश्किल सबके साथ होती हैं लाइफ में और हर इंसान को मुश्किलों का सामना करने के बाद ही सक्सेस देखने मिलती है. तो ऑफकोर्स हमारे साथ बेसिकली मैं हम दोनों के बिहाफ पे कहना चाहूँगा कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड. दिस इज़ आर फर्स्ट म्यूजिक एल्बम. वी हैव डन 10-12 फिल्म एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. सो दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग फॉर आर फैंस, फॉर आर यू नो वेल विशर्स जो हमारा म्यूजिक पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं. थैंक यू सो मच सर. योगेश भाई के लिए जितना भी बोला जाए कम है. जितने भी सुपरस्टार्स, जितने भी चमकते सितारे आप बम्बई की सड़कों पे होर्डिंग्स में देखते हैं वो योगेश जी की बदौलत ही है. तो शारिफ तोशी का भी बहुत बहुत शारिफ तोशी की तरफ से धन्यवाद. और जोशी भाई बात करेंगे. हाँ जी, वन मोर टाइम. क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज़ आप जब कुछ काम करते हैं, कुछ अच्छा या बड़ा कुछ करते हैं, तो उसके लिए आपके साथ रहने वाले आपके भाई कहें या फ्रेंड्स कहें या दोस्त कहें, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. और जो दोस्त भाई सपोर्ट दिखाते हैं वो सच में भाई और दोस्त कहलाने के लायक होते हैं. तो योगेश लखानी जी ने वो सपोर्ट और प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वंस अगेन ये दोनों की तरफ से एक छोटा सा नजराना आपके लिए. थैंक यू वेरी मच. आप सब लोगों के हाथ में कैमरा है, बहुत बिजी है, मगर ताली बजा दीजिए. बहुत कुछ कहूंगा मगर जैसा कि आप सब देख रहे हैं अभी इस वक्त मेरे चेहरे पे एक ही टेंशन नजर आ रही है कि हमारे शेख साहब भी ग्रेट ऑनरेबल सनी सर, आई एम रियली 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 थैंक्स, मतलब थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने इतना बड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाया मुझे. तो वो आने ही वाले हैं, जैसे ही वो आ जाते हैं तो उसके बाद फुल धमाल और पूरा वीडियो पूरा गाना रिवील करेंगे हम इन फ्रंट ऑफ यू. यू गाइस आप लोग यहाँ आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो डेफिनेटली वो सब कुछ होगा. I'm gonna make you mine.
छोटी सी बात के मैं चाहूंगा कि कुछ दो अल्फाज हमारे दोनों के लिए आशीर्वाद स्वरूप या ब्लेसिंग बतौर सही सर कहें. सो प्लीज 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 एवरीबॉडी साइलेंट. आई एम गोना गिव माइक ओवर सर. हां थोड़ा वॉल्यूम कर दीजिए माइक का. आप लोगों के साथ संबंध बना मेरी फिल्म से यमला पगला से मेरे हिसाब से जितने भी गाने थे सब बहुत ही अच्छे थे और उसी वजह से मैं आप लोगों के पास हूँ इस वक्त क्योंकि I really love your music and I'm sure this music works for the French kiss for me and बस ये सर और म्यूजिक निकालते रहिए and all the best to all of you. Thank you so much sir. एक बहुत बहुत बड़ा वाला thanks from Sharif Toshi to dear Sunny sir. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you very much.